हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सी यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। ओके, पहले एक अनाउंसमेंट, उसके बाद हम लोग ADO से संबंधित सारी जानकारी को एक बार देखेंगे। देखिए, हमारा अब CGSI के लिए, ठीक है, CGSI एग्ज़ाम के लिए या फिर CGPSC, अब जो भी एग्ज़ाम होगा CG व्यापम में या फिर कोई भी विभाग में, तो आपको यहाँ से अब तैयारी करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का क्लास चला, ठीक है, फिर मैथ्स का क्लास आएगा, जो मैथ्स ना, मैथ्स और रीजनिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपन, किसमें, हमारे चैनल में, ठीक है। इंद्रजीत सर पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मे बी जब आपका एग्ज़ाम होगा ना मेंस का, कब हो सकता है, मई के आसपास हो सकता है, मई या फिर अप्रैल में, जैसे रिजल्ट आएगा तो जारी होगा, ठीक है। तो तब तक आप अपनी तैयारी पूरा कर लेना भाई, पूरा कवर कराया जाएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि चीज़ों को आप, ये चीज़ें आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली हम लोग CG व्यापम के ADEO के वैकेंसी पर, मतलब सहायक विकास विस्तार अधिकारी। कल हमने देखा कि हाँ भाई, प्रमोशन हुआ है, 85 को पहले हुआ था, फिर 115 लोगों का हुआ है, अपने ही स्थान पर हुआ है। तो कुल मिला के भाई, अगर कोई ADO बन रहा है, ADEO, अगर वो DEO में तब्दील हो जा रहा है, मतलब उनको प्रमोट हो जा रहा है, तो ये वाला पोस्ट तो ऑलरेडी खाली हो जा रहा है, ठीक। और DO और ADO में एक बेसिक अंतर है, ADO क्या रहता है ना कि पंचायत विभाग में जाके फील्ड वर्क करते हैं, ठीक, अधिकारी हैं, फील्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब इनको कोई भी चीज़ को क्रियान्वयन करवाना है, तो वो उनका काम रहेगा DEO का, मतलब ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लोग यहाँ जा रहे हैं, तो कुल मिला के ADO का पोस्ट तो खाली हो जाएगा, तो कुल मिला के पोस्ट आएगा कितना आएगा, बात करेंगे। मे बी 300 के आसपास हो सकता है, क्योंकि 470 के आसपास पोस्ट खाली है, सब ना है, लेकिन फिर भी अब 300 के आसपास मान लो, हो सकता है 200 भी रहे, पर इतना है, इतना तय है कि एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, पोस्ट आएंगे, बस एक बार आरक्षण का मसला क्लियर हो जाए, फिर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। बात करते हैं, क्या चर्चा करेंगे, सबसे पहले वैकेंसी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे IO योग्यता, ओके, उसके बाद सिलेबस को देखेंगे, फिर पुस्तकों को देख लेंगे कैसे तैयारी करें, बात करेंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, ठीक, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लास्ट हम देखेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करिए देखिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। देखिए, अगर बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो वर्तमान में अभी हाल ही में पोस्ट डिस्पैच हुआ है DEO में, तो कुल मिला के अभी क्या है, वैकेंसी तो है, ADO में काफ़ी वैकेंसी है, ठीक। उसके बाद IO और योग्यता देखते हैं क्या करके। देखिए, अगर बात करूं DEO, मतलब ADEO, ठीक, ADO में अगर आप 20 साल मिनिमम और 35 साल के हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पहला चीज़ तो। साथ ही याद रखना, एज रिलैक्सेशन, मतलब आपको आयु में छूट दी जाएगी, अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार के नियमानुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी, ठीक है। ये जो 35 वर्ष है ना, वो सामान्य वर्गों के लिए आप मान सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित वर्ग हैं उनको बेशक 40 तक जा सकते हैं, ठीक। तो ये तो रहा हमारा आयु की बात। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब क्या आपकी योग्यता होना चाहिए। 2023 में जो वैकेंसी आएगी ना, या 2017 में जो वैकेंसी आई थी 17-18 में, उसमें क्या था, अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है, तो आप ADO के फॉर्म को भर सकते हैं, पहला एग्ज़ाम दिला सकते हैं, और आप एलिजिबल भी रहेंगे, ओके, पहला चीज़। दूसरा क्या है, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे राज्य से, तो आप अब ये फॉर्म को भरने का विकल्प तो होगा, लेकिन आपको इसमें इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्ति इस फॉर्म में एप्लीकेबल है, ओके। अब बात करते हैं इनका वेतनमान। देखिए, ADO 2022 में जो रिक्रूटमेंट होगा, उसमें उसका फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, मतलब सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए अधिकतम आवेदन सिलेक्शन हो जाते हैं, जो अगर 5200 से लेके लगभग 20200 तक, साथ ही साथ आपको भत्ता भी जुड़ेगा, महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा, और अन्य जो फैसिलिटी राज्य सरकार तय करती है सभी मिलेगा। तो ये जो पैसा दिख रहा है ना 20000, तो 20000 नहीं भैया, कम से कम, अब मैं भी, मेरे भैया पोस्टिंग में है मुंगेली में, उनको 30000 से भी प्लस मिलते हैं, मतलब आप समझ लीजिए अच्छा खासा पेमेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में पदों का वितरण। अगर बात करूं, ये जो ADO भर्ती है ना, उसका आयोजन कौन करेगा, छत्तीसगढ़ व्यापम, पहला चीज़, फुल फॉर्म जैसे देख लिए हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी,
कितने पद आ सकते हैं? तो मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे 470 पद मेरे खाली दिख रहे हैं, तो 300 फिर भी मान लीजिए, 300 के आसपास हो सकता है, 313 भी हो जाए, 213 भी हो जाए, 250 भी हो जाए, लगभग 300 भी हो जाए या 350 भी हो जाए। तो कुल मिला के ये आप क्राइटेरिया रख सकते हैं, तो इतना पोस्ट आ सकता है ना। कैसी है नौकरी? नियमित भर्ती है, रेगुलर कर्मचारी है, और स्थान आपको भैया छत्तीसगढ़ में कहीं भी जहाँ पर ADO का पोस्ट खाली है आपको प्रमोट कर देंगे, आपको वहाँ भेज देंगे। ओके, अब योग्यता के बारे में बात करें, देख चुके हैं वैसे स्नातक, स्नातक किसी भी स्ट्रीम में ना, और साथ ही अगर आप रूरल डेवलपमेंट विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में PG वगैरह किए हैं तो आपको 15 अंक अतिरिक्त मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले बार मिला था तो इस साल भी मिलने की गुंजाइश है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए अगर बात करूं, अच्छा इसका आपको PDF प्राप्त करना होगा ना, तो कृपया करके ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको जितने भी हमारे वीडियो है ना सबके PDF मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पेपर तो ऑफलाइन होती है यार, ठीक, पेन पेपर से होगा बिल्कुल। और दूसरा चीज़, ये दोनों भाषा में होंगी, हिंदी और इंग्लिश में, 150 प्रश्न होंगे जिसको 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो हर एक सेक्शन से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। ओके, आपको लगभग 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ओके, और 4 विकल्प, जैसे हमने PSC या फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम में जैसे ASIM देखा, सेम वैसे पैटर्न होते हैं। हर एक प्रश्न में 1 नंबर और कटता कितना है, 0.25 नंबर, मतलब 1.14, तो माइनस मार्किंग भी है। कैसा है? माइनस मार्किंग है, साथ ही हर एक प्रश्न में 1 नंबर मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इसमें है छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैं मानता हूँ यही है, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे, 5 सेक्शन है, मतलब हर एक सेक्शन से 30 नंबर। ये जो सेक्शन है ना भाई, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई आप 73वां संविधान संशोधन को पढ़ लो, पंचायती राज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लो, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना को पढ़ लो, कार्य को पढ़ लो, ग्राम सभा को पढ़ लो, समितियों को पढ़ लो, और प्रमुख सेक्टर वगैरह जो उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सबको पढ़ लो। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो क्या है, सिर्फ योजनाओं को आपको अपडेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आपने CGPSC के लिए भी हाल में पंचायती राज पढ़ा होगा तो बार बार रिविज़न करो। ओके, कुल मिला के ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मैं इसी को मानता हूँ, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा है, चीज़ें चेंज नहीं होती। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में 93वें संविधान संशोधन में कितने हैं, सॉरी 73वां संविधान संशोधन, ठीक, कितने धारा, 4, मैं तो बता, 4 अध्याय, एक्चुअली में 4 अनुसूची, 4 अनुसूची, ठीक, 15 अध्याय और 132 धारा, इतना को पढ़ लो भैया, सफिशियंट है, कुछ योजनाओं को अपडेट कर लो। उसके बाद बात करते हैं अगले अगले सेक्शन का, आजीविका। तो आजीविका मतलब भारतीय कृषि आजीविका और ग्रामीण व्यवस्था की भूमिका को देखेंगे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को भी देखेंगे, और आजीविका प्रदान करने के लिए जो ग्रामोद्योग की भूमिका है ना उसको देखते हैं, स्व सहायता समूह, ये भी सिलेबस में संस्थागत विकास है तो ठीक है, सहकारी बैंक, बैंकों की व्यवस्था, वर्तमान में कितने बैंक है, कितने जमा राशि है, कितना अभी ग्रोथ हुआ है, सब चीज़ें, बाजार, बाजार के प्रारूप को देखना है आपको, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, स्थानीय बाजार के रूपरेखा क्या है, सारी चीज़ों को, पशुधन, पशुधन के उत्पाद और प्रबंध से संबंधित, तो ये भी आपका कैसा है, ये आपका स्टैटिक स्टैटिक है, इसमें कोई करंट नहीं है। ओके, पर ये चीज़ों को आपको अच्छे से करना होगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण विकास में। तो ग्रामीण विकास में ना आप जितने भी जैसे सामाजिक अंकक्षण पढ़ते हैं ना, हर वर्ष ग्राम सभा का एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन, तो वार्षिक अधिवेशन में जो जो रिपोर्ट रहते हैं, अंकक्षण होता है, तो वो संबंधित है, एक्चुअली थोड़ा अलग है उससे, लेकिन हाँ वही आप एक मान सकते हैं। क्या क्या चीज़ें, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, ग्रामीण विकास की योजनाओं के संबंधित में जानकारी। अब यहाँ पर आपको करेंट अपडेट करना पड़ेगा, एक्चुअली देखो इसमें स्टैटिक जो पुराना जो चल रहा था, 2000 से मैं मान लेता हूँ, जितने भी योजनाएं हैं 2023 तक सबको मेंशन कर किया जाता है, सबको पढ़ना पड़ता है। ओके, और सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बैंकों की भूमिका। तो जितने भी बैंक गठित हुए 1773 से लेके जितने भी ना, सबको एक एक करके करना है, वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक सबको पढ़ना है। ओके, और इसमें सबसे अच्छा टॉपिक है ना जिससे नंबर आपको मिल सकता है, ये वाला
मेंस पेपर नंबर 7 का सिलेबस है पार्ट 1 का, ये कौन सा सूचना का अधिकार 2005, थोड़ा अपडेटेड है, इसको पढ़ना पड़ेगा बस ये। उसके बाद जल संग्रहण प्रबंधन और उद्देश्य संबंधित योजनाएं, देखो इसको आप वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था ना उसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, एक चीज भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको पढ़ सकते हो, तो ये दूसरा तीसरा पार्ट है। अब बात करते चौथा, चौथा में सामान्य अध्ययन, तो यहाँ प्रश्न आपको 30 प्रश्न मिलेंगे फिर से, जिसमें करेंट अफेयर, ठीक, भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली या भारतीय प्रशासन, तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जो भी अपने पढ़ ही रहा होगा या पढ़ चुके होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति, प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थल, संगीत और नृत्य, और छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो कुल मिला के भारत में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, सिर्फ संविधान और छत्तीसगढ़ में सारी चीज़ों को, जबकि इसमें इतिहास कहीं मेंशन नहीं है ना, तो आप इतिहास को कम भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और करंट अफेयर तो देखना है, तो कुल मिला के आपका जो चौथा पोर्शन है और पंचायत वाला पोर्शन है पहला, आप इसको बेहतर रूप से यहाँ से नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो, ठीक। उसके बाद बात करते हैं पाँचवा, हिंदी वर्ड विचार, जिसमें क्या क्या, स्वर व्यंजन अक्षर लिंग वर्तनी वचन संधि समास, ठीक, इसको पढ़ना है, ठीक है। और शब्द विचार, शब्द विचार में क्या मिलेंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द पर्यावाच विलोम अनेकार्थी। और शब्द रचना, शब्द रचना में आपको समास दिखेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय और पद और पद भेद, वाक्य विचार रचना, और कुछ प्रमुख साहित्यकार, साहित्यकार काल विभाजन एक बार देख सकते हैं, तो ये सारी आपको करना है इसमें। लेकिन स्वर व्यंजन वगैरह इसमें आपको ना वो नहीं दिखेगा, क्या रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार पर एक बार पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ना तो है नहीं, सीखना है, सीखेंगे ही, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा सिलेबस रहा, तो कुल मिला के आप ये पाँचों में सबसे बेहतर किस में कर सकते हैं, एक तो हिंदी अच्छा नंबर आ जाएगा, एक तो सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन इसमें भी अच्छा नंबर आ जाएगा, पंचायती राज, पंचायती राज नंबर लाने लायक है, और एक टॉपिक है अपना ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब उसमें जो करेंट अफेयर का डाटा है योजना संबंधित, तो उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी जो एक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम पढ़ेंगे, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा ये बाकी चीज़ों को। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या ही पढ़ें यार, कौन सा पुस्तक पढ़ें, तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूँ, जैसे हिंदी के लिए मैं जिसको फॉलो करता हूँ, और बेसिकली आपको इसको फॉलो करना चाहिए, देखो तीन बताऊंगा, एक मेंशन नहीं है। देखो एक है हरदेव बहारी जी का व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और रचना, एक है वसुदेव नंदन प्रसाद जी का, ये मैं तो इसी को फॉलो करता हूँ, और एक अपना हरिराम पटेल सर का देख लीजिएगा, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का देख लीजिएगा जो आपको समझ आए, तो ये तो हिंदी का है। उसके बाद अगर बात करो सामान्य अध्ययन में, तो सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ का वेटेज अच्छा खासा है, ठीक। करेंट अफेयर आपको कोई भी पुस्तक ले लेना है, अर्जुना का या फिर जो भी आपको सही लगे, और चूंकि YouTube में आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगी, तो करंट अफेयर के लिए ज़्यादा भटकना नहीं है, एक आक्टो पुस्तक ले लो, उसको पढ़ो। अब बात करते हैं संविधान के लिए, तो संविधान के लिए मैं जिसको पढ़ता हूँ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, मतलब क्या है लक्ष्मीकांत, सब सब्जेक्ट का मतलब पूरा डिटेल में तैयारी होगा, या फिर आप NCERT फॉलो कर सकते हैं, NCERT या आप वर्णवाल, जो NCERT का सार है वर्णवाल, एक कोई सा भी पुस्तक उठा लो, प्रतियोगिता दर्पण भी देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। अब बात करते हैं ग्राम, अगर बात करूं मैं ग्राम पंचायत, देखो ग्राम पंचायत का एक पुस्तक आता है, ठीक है, या फिर आप नेट से भी पढ़ सकते हो ग्राम पंचायत के संबंध में, ठीक है। और ADO का कोई भी डेडिकेटेड बुक, कोई सा भी संस्थान का एक उठा लो, तो इतना सारा चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो रही। अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का मैं वीडियो लाऊंगा यार, कि कैसा प्रश्न आया था, कितना कैसा कैसा प्रश्न हो सकता है, कितने 2.5 घंटे में क्या संभव है बनाना, तो बिल्कुल संभव है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे दो कारण है, आपको इंग्लिश तो मिलेंगी नहीं, ठीक है, और सबसे बड़ा कारण है ना मैथ्स और रीजनिंग नहीं मिलेगा, तो जो मैथ्स और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से ना उनके लिए सोने में सुहागा, आपको मैथ्स नहीं मिल रहा है, इंग्लिश नहीं मिल रहा है, तो आप बाकी चीज़ों तो ऐसे भी कर सकते हैं और करते ही हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ देखो जो व्यक्ति रूरल मतलब ग्रामीण विकास विभाग में PG वगैरह किए हैं, तो 15 नंबर अतिरिक्त तो बोनस मिलता है और 15 नंबर कम किया गया था। तो जनरल का अगर बात करूं ADEO में, ठीक है, जनरल का कट ऑफ, जनरल का तो यहाँ पिछले साल गया था 93 के आसपास, 93 से 95 के आसपास। इसके पीछे का कारण था
15 नंबर का माइनस होना, कितना? ठीक है ठीक है। देखो जनरल, देखा ना 93 से 95 के बीच में रहा कट ऑफ, कारण क्या था? 15 अंक माइनस होना, ये प्रमुख कारण था। तो ये अब देखो, ये नंबर ना ज़्यादा वेरी नहीं करता यार, मैं जहाँ तक समझता हूँ व्यापम के कोई भी एग्जाम में अगर 70% आप ले जाएंगे, मतलब 150 का 70% कितना होता है? लगभग 105 नंबर। तो 105 नंबर में आप हर एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सामान्य वर्ग के लिए, जनरल वर्ग के लिए है, समझ गए? चूँकि सामान्य वर्गों का कट ऑफ हाई जाता है, ये मिनिमम मार्क्स है ना, अब इसके ज़्यादा आप लाएंगे तो आप टॉप 10 में आएंगे। और आप टॉप 10 निकाल के देखिएगा, 150 अंकों में आपको मान लो 125 नंबर दिखा किसी का, एक का, और वो टॉप 10 दसवां अंक आते, मतलब दसवां रैंक आते आते ना करीबन 100 110 के आसपास हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से 5-7 नंबर और नीचे कर लीजिए तो 105 में सिलेक्शन डन हो जाता है, ठीक है? तो बेहतर रूप से इसको बनाना है। तो जनरल के लिए कितना देख रहे थे मन? 95 मान लेते नहीं भैया, नंबर है और इसका वेटिंग क्लियर हुआ था 88 वाला, और यही मेरे भैया थे ब्रजेंद्र जी, ठीक, अभी मुगेली में पोस्टिंग है। उसके बाद ओबीसी, ज़्यादा खासा अंतर नहीं दिखा था, ये 92 और 90 समथिंग था, ठीक, 92 ही मान लो क्योंकि 3 से 4 नंबर कम था। ओबीसी तो हो गया, अब एससी और एसटी देखते हैं, इनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं था, इसमें लगभग 88 नंबर और इसमें लगभग 87 नंबर, मतलब कुल मिला के 90 के आसपास नंबर कट ऑफ गया था सब वर्गों के लिए, चाहे महिला रहे पुरुष रहे। तो इतना नंबर आपको लाना है, कब? जब 15 नंबर माइनस कर लेते हैं। अब मान लो 95 किसी का नंबर है, तो हो सकता है ना उनका नंबर 110 रहा होगा, तो इसी में 15 नंबर माइनस हो गया। तो कुल मिला के आपका तैयारी होना चाहिए लगभग 110 नंबर का, और अगर आपको सही में सेलेक्शन लेना है तो 105 नंबर में आपका सेलेक्शन हो ही जाएगा। ये सारी चीज़ें रहीं डिटेल में, तो अच्छा लगी वीडियो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।